हम रूट वर्ड्स को लेकर नए अल्फाज सीखने की कोशिश कर रहे हैं और आज का न्यू रूट वर्ड है स्पेक्ट। स्पेक्ट का मतलब है टू सी। ये सिर्फ लिटरल मीनिंग में इस्तेमाल नहीं होता बल्कि आपने इसको जनरल मीनिंग में किसी को फ्यूचर प्रेडिक्शन के लिए या ओवरऑल एनालिसिस के लिए भी इस स्पेक्ट को जहाँ पे इस्तेमाल होगा उस सेंस में देखना है। पहला लफ्ज़ है हमारा पर्सपेक्टिव। पर्सपेक्टिव का मतलब ये है कि एक बंदे का मेंटल व्यू क्या है किसी भी इशू को लेकर। और दूसरा लफ्ज़ है प्रोस्पेक्टिव। प्रोस्पेक्टिव जो है एक फ्यूचर एनालिसिस है किसी सिचुएशन का, आप उसकी पोटेंशियल देख रहे हैं फ्यूचर से रिलेटेड। हमारा तीसरा वर्ड है रेट्रोस्पेक्टिव। रेट्रोस्पेक्टिव पास्ट में अगर आप किसी चीज़ का एनालिसिस करें या किसी चीज़ को गौर से देखें तो उस सेंस में इस्तेमाल होता है। हमारा फोर्थ वर्ड है सर्कमस्पेक्ट। सर्कमस्पेक्ट मतलब हर चीज़ का आप बगौर जायज़ा लेंगे, अलर्ट रहेंगे, केयरफुल रहेंगे, उस सिलसिले में ये लफ्ज़ इस्तेमाल होता है। हमारा फिफ्थ वर्ड है इंट्रोस्पेक्ट। इंट्रो का मतलब है अंदरूनी जायज़ा लेना, अपने बिहेवियर को कंटेम्पलेट करना, खुद से अपने अंदर का जायज़ा लेना। फाइनली हमारे पास जो वर्ड है दैट इज़ स्पेक्टिकल। किसी भी नोटेबल व्यू को, किसी काबिले गौर चीज़ को देखना वो स्पेक्टेकल कहलाता है। अगर इसको स्पेक्टेकल्स कहा जाए तो फिर वो बिल्कुल ही मुख्तलिफ वर्ड बन जाता है, यानी पेयर ऑफ ग्लासेस जो कि हम देखने के लिए इस्तेमाल करते हैं बन जाता है। दैट्स इट फॉर टुडे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।